ये क्या? ये तुम लोगों ने देखा है मैकडॉनल्ड्स ने भी अंडे वाला बर्गर निकाल दिया है। ये देखो कोई 250 रुपए का लिखा हुआ है ना अंडे वाला, अपना पान कबाब नाम लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से हमें ये खा के देखना चाहिए। वैसे भी मैं सराई जा रहा हूँ तो उधर ही जाके चेक करते हैं। उधर भी मतलब वो झेलम में मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ पर एक दोस्त भी है ज़रा थोड़ा हैवी खाने छाने वाला, तो मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा बेहतर रिव्यू मिल जाएगा। इसको कंपेयर करके देखते हैं लोकल वाले अंडे वाले बर्गर से, पर वहीं जाके। तो फिर चलो ना, ये फाद का घर है। वो मैंने कहा थोड़ा खाने पीने वाला व्लॉग करना है तो थोड़ा सा कोई मतलब खट्टा खट्टा बंदा लेके आते हैं। चलो तो मैं इसे बुलाता हूँ। आ जाओ इधर आओ। ये एक स्टेज शॉट था, मतलब मैं काफ़ी देर से इधर आया हूँ, लेकिन ये है कि मैंने इसे कहा अंदर जाओ ज़रा, कोई हम मिक्स करेंगे तो अच्छा बनाएंगे। तो अभी धूप गर्मी काफ़ी है। हेलो, हम अब थोड़ा खाने पीने वाला ब्लॉग कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा बंदा भी लेवल का होना चाहिए, फिर माशाल्लाह चेक कर लो। बाकी कुछ और ज़्यादा चेक करना हो तो बी डी फिटनेस पे जाके देख लो, ठीक है? बी डी फिटनेस लाजमी चेक करें और ठहर जाओ, चलो चलें। ठीक है, हाँ अभी हम आ गए हैं इधर अंडे वाले बर्गर लेने। एक यहाँ से लेंगे अभी और फिर मैकडॉनल्ड्स जाएंगे। अच्छा, ये बर्गर हमें 70 रुपए का मिला। ये लेकर हम फौरन मैकडॉनल्ड्स के लिए निकले जो जेलम और सरायलम गिर के कहीं दरमियान में जाकर आता है। अच्छा, अंदर जाके जब मैंने इन भाई से कहा कि दो अंडे वाले बर्गर दे दें, तो वो समझ गए थे कि ये कैमरा लेके कोई ना कोई कारा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही हाथ हिला दिया। हालांकि ये कोई प्रैंक नहीं था। खैर, ये सब लेकर हम ऊपर गए। अच्छा, नीचे क्योंकि म्यूजिक वगैरह लगा हुआ था तो शोर इतना था, तो वहाँ पर हम क्योंकि वॉइस नहीं प्रॉपर दे सकते थे। हमने क्योंकि रिव्यू करना है तो हम छत पर आ गए हैं, ऊपर गर्मी है, लेकिन क्या करें, कैमरे के लिए आप वीडियो के लिए। ये हमारा ऑर्डर नंबर समथिंग, अब पता नहीं उसे पता नहीं है हम ऊपर बैठे हैं कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कि पता हो। लग नहीं रहा वैसे। अभी ये मैकडॉनल्ड्स वाले अंडे वाले बर्गर आ गए। वो दूसरा किधर है वो वाला? ये इतने साल है, अभी हम असली वाला निकालते हैं वो अपने बैग में। पहले सिर्फ उसकी वो क्या लुक कंपेयर कर, पहले खोल के देखते हैं। ये खोल लो तो मैं, ये बर्गर का बच्चा है वैसे, ये साइज में तकरीबन थोड़ा सा फर्क है वैसे। ये साइज डिफरेंस है, ये हमें 70 रुपये का मिला और ये वाला 250 रुपये का। अच्छा, अब खा के देखते हैं दोनों का, एक एक बाइट लेते हैं ताकि पता चले बेहतर कि कौन सा किसके वाला ज़्यादा पता चलता है। पहले अपना ये अपना देसी वाला खा, अपना देसी वाला पहले खा के, देसी वाला पहले खा। अच्छा, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा ही होता था पहले, अभी भी वैसा ही है। अब मैकडॉनल्ड्स वालों को देखना है कितना गेस्ट है, जो पैसे वो ले रहे हैं एक्स्ट्रा वो वर्क करते हैं कि नहीं। बिल्कुल चेक करते हैं। बुरा नहीं है वैसे, मैं मुझे बता देगा तुम्हें कैसा लगा। नहीं, ये ना प्रॉपरली देसी टच दे रहा है, ना प्रॉपरली ये फास्ट फूड टच दे रहा है, ये कुछ बीच की को लग रही है। हाँ, मतलब देसी बंदा कहीं मॉडर्न एरिया में जाके फंस गया, देसी लिबरल हो गया। हाँ, ऐसा कुछ कह रहा है, थोड़ी थोड़ी सी देसी टच है, लेकिन उसमें जो मैकडॉनल्ड्स का अपना फ्लेवर होता है मोस्टली वैसा आ रहा है टच। मतलब मैं स्टिल प्रेफर करा, आपने देसी बर्गर खाना, मैं स्टिल प्रेफर करूँगा जो देसी अंडे वाला बर्गर होता है, अंडे वाला बर्गर। ये बात चॉइस है आपकी, बुरा नहीं है मतलब, लेकिन टेस्ट में ऑब्वियसली इसका उजैर नहीं, इसका मुकाबला नहीं कर रहा फिर भी। हाँ, ये बात ठीक है रहा वो, ठीक है मुकाबला इन सेंस के टेस्ट वाइज ये ठीक है, बैलेंस है, सारा कुछ है, लेकिन उसका अपना एक फ्लेवर है वो ठीक है। ये भी बुरा नहीं है, मतलब अगर खाना आपने अगर नहीं मिल रहा कहीं पर तो खा लो। अब हम उठ के अंदर जाने लगे हैं क्योंकि मेन हमने वॉइस रिकॉर्ड कर ली है, तो मतलब जाके आराम से सुकून से खाते हैं।
फिर अंदर बैठ के हमने इसे कम्प्लीटली खाया ताकि कम्प्लीट और फाइनल रिव्यू दे सकें। तो अंदर शोर ही था तो हमने कहा चलो बाहर किसी करीबी जगह पे, थोड़ी अच्छी जगह पे जाते हैं, वहाँ जाके अपनी फाइनल थॉट्स देते हैं। अच्छा वो बर्गर मैंने खाया तो मेरे ख्याल से ना वो मुनासिब था, बुरा नहीं था। मतलब ऐसा है कि अगर आपने खाना हो तो खा लें, ठीक है। बाकी इससे पूछ लो इसे कैसा लगा है, बताओ। ऑनेस्टली यार सही बताऊँ, मैं खाने का बड़ा वैर, अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ उसमें ये है कि जिस तरह हमने लिखा हुआ था ना कि अंडे वाला बर्गर वो देसी टच, तो वो बर्गर ना 3 में था ना 13 में, ना प्रॉपरली देसी ना प्रॉपरली फास्ट, मतलब फास्ट फूड वाला। मुझे ऐसा लगा है जैसे आर्टिफिशियल देसीनेस ऐड की हुई है काइंड, हाँ इस तरह का। तो वो देसी वाला कोई टच वो मज़ा कोई नहीं आया, मतलब उसके साथ जो हमने देसी आपके सामने खाया ना उसका अच्छा खासा मज़ा आया। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मतलब खा सकते हैं आप, बुरा नहीं था, मतलब मुनासिब बर्गर था, ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब जैसा उन्होंने लिखा हुआ था ना, मतलब हमें उस तरह वो देसी दूसरी वाली बात कोई। मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर गया था, मैंने कहा फास्ट फूड चाहिए ना ज़रा, मतलब मॉडर्न टाइप ही होगा बर्गर, तो उस लिहाज से मुझे इतना बुरा नहीं लगा, शायद ये प्योर देसी का एक्सपेक्ट कर रहा होगा, इसलिए इससे थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे लग गया है। बाकी खुद भी खा के देख लो, तो अगर तुम लोगों ने खाया तो मुझे भी बताओ कैसा लगा था। बिल्कुल ठीक है, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। और एक और आज की एपिसोड, एक और यार देखो मेरा भी, हाँ बोलो। जाते जाते यार आप लोग बीयर डिफिटर्स को चेक ला लाजमी, ये मुझे काटना पड़ जाता। ठीक है, ये थी आज के एपिसोड में, मिलेंगे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।